नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 सितंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के कई आईएएस अफसरों का हुआ तबादला। ठगी वाले व्हाट्सएप मैसेज और एसएमएस से रहें सतर्क। शिक्षकों को मिलेगा एमएसीपी का लाभ। सरकारी पारा मेडिकल के विद्यार्थियों को मिलेंगे 1500 की छात्रवृत्ति। टी20 सीरीज के लिए भारत पहुंची ऑस्ट्रेलियाई टीम, इस दिन होगा पहला मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीसीएल ने अप्रेंटिस के 635 रिक्तियों के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड सीसीएल रांची ने विभिन्न ट्रेड में अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 635 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को क्लास 10th पास होने के साथ रिलेवेंट ट्रेड में ITI या फिर साइंस फैकल्टी में 10+2 पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.centralcoalfields.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे राजेश कुमार की। 20 जनवरी 1975 को बिहार के गया जिला में जन्मे राजेश कुमार एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं, जिन्हें बाप बहू और बेबी और साड़ा भाई बनाम साड़ा भाई जैसे भारतीय टेलीविजन शो में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। राजेश दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। उन्हें आखिरी बार नेटफ्लिक्स श्रृंखला कोटा फैक्ट्री के दूसरे सीजन में गगन रस्तोगी की भूमिका में देखा गया था। राजेश कुमार अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं, लेकिन उनका पैतृक घर बिहार के गया जिले में है। सोलर लाइट परियोजना का हुआ शुभारंभ। बीते दिन मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय 2 के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के 109,647 वार्डों में 11,77,080 सोलर स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन यानी कि सोलर लाइट लगाए जाएंगे। प्रति वार्ड 10 सोलर स्ट्रीट लाइट तथा राज्य के सभी 8,061 पंचायतों में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, हेल्थ सेंटर, पंचायत सरकार भवन, धार्मिक स्थल आदि सार्वजनिक स्थलों पर 10 अतिरिक्त सोलर लाइट का लगाया जाएगा। साथ ही सोलर लाइट्स के नियमित मेंटेनेंस की व्यवस्था भी की जाएगी। इस योजना के सफल क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होगी, जिससे लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 5 जगह पर सोलर लाइट लगवाए, जब सब कुछ बढ़िया ढंग से हो गया तो अब पूरे बिहार में सोलर लाइट लगाने का काम शुरू हो रहा है। शिक्षा मंत्री के आवास के सामने एसटीईटी अभ्यर्थियों का हंगामा। एक बार फिर से बीते दिन शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मोर्चा थाम लिया, जिसमें पुलिस और अभ्यर्थियों में झड़प भी हो गई। बता दें कि राज्य के एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों ने पटना में प्रदर्शन और सचिवालय के घेराव की योजना बनाई थी। इनकी मांग है कि शिक्षक भर्ती के 7वें चरण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। इस दौरान बीते दिन राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पटना पहुंचकर प्रदर्शन में शामिल हुए। मालूम हो कि पिछले महीने भी इसी मांग को लेकर टीईटी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था। उनका कहना था कि 6ठे चरण के शिक्षक नियोजन में बची हुई सीटों को 7वें चरण में मर्ज कर नियोजन प्रक्रिया शुरू करें। बिहार के 32 जिलों में आरटीआई के करोड़ों रुपए बैंक में कर दिए गए पार्क। प्राइवेट स्कूलों में आरटीआई के तहत बच्चों के नामांकन में हीला हवाली की जा रही है। वहीं इस योजना मद की करोड़ों की राशि अधिकारियों ने निकाल कर बैंकों में रख दिया है। विभाग ने इसे वित्तीय अनियमितता माना है। साथ ही बिहार के 32 जिलों में करोड़ों की राशि बैंक में पार्क करने पर विभाग ने अधिकारियों से जवाब मांगा है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी 32 जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान से इस मामले में जवाब मांगा है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत वित्तीय वर्ष 17-18 और 18-19 के लिए स्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों के लिए राशि उपलब्ध कराई गई थी। लौरिया नंदनगंज में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार में कई दर्शनीय, ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं, जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। इनमें से एक है लौरिया नंदनगंज। लौरिया नंदनगढ़ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का एक छोटा सा नगर है, जहां सम्राट अशोक द्वारा निर्मित एक विशाल स्तंभ है। यह नगर नरकटियागंज से लगभग 14 किलोमीटर दूर है और बूढ़ी गंडक के किनारे स्थित है। मौर्य साम्राज्य के बहुत से ध्वंसावशेष यहां प्राप्त हुए हैं।
बिहार के कई आईएएस अफसरों का हुआ तबादला। सामान्य प्रशासन विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए बीते दिन बिहार के नव प्रोन्नत 13 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी दिनेश कुमार को गृह विभाग में पदस्थापित किया है। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग के संयुक्त सचिव अमरेंद्र कुमार को सचिव बिहार लोक सेवा आयोग बनाया गया है। नवनियुक्त आईएएस एमएस कैसर सुल्तान को संयुक्त सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पद पर पदस्थापित किया गया है। समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक रमेश कुमार झा को राज्य निशक्तता आयुक्त बनाया गया है और इसी के साथ कुल 13 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। बिहार में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। बिहार में मॉनसून की सक्रियता इन दिनों बनी हुई है। सितंबर महीने के शुरुआत से ही मॉनसून मेहरबान है। इस दौरान राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बिहार के 12 जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात होने को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन दिनों झमाझम बारिश की वजह से मौसम भी सुहावना बना हुआ है। वहीं आज राज्य के 12 जिले मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी है। साथ ही यह भी कहा गया है कि बारिश और मेघ गर्जन के दौरान खुली जगह में ना रहें, तुरंत किसी छत के नीचे चले जाएं। नीतीश का ऐलान, गैर भाजपा सरकार बनने पर सभी पिछड़े राज्यों को मिलेगा विशेष दर्जा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बीते दिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को उठाया है। यही नहीं, नीतीश कुमार ने पीएम उम्मीदवार की तरह मंच से यह भी ऐलान कर दिया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में गैर भाजपाई सरकार बनने पर सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से विशेष राज्य का राग अलापा। पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता तो गांव का कितना विकास होता। हम तो लगातार यह मांग उठाते रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। साथ ही मीडिया पर भाजपा का कब्जा है, ऐसा नीतीश कुमार का कहना है। उनका कहना है कि मीडिया में सिर्फ उन्हीं की बात छपती है और छोटी छोटी घटनाओं को बड़े स्तर पर प्रसारित किया जाता है। ठगी वाले व्हाट्सएप मैसेज और एसएमएस से रहे सतर्क। जितनी तेजी से हम लोग डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से ऑनलाइन ठगी की शिकायतें बढ़ी हैं। ऐसे में हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में फर्जी सरकारी योजनाओं, नौकरी की गारंटी, लकी ड्रॉ से संबंधित व्हाट्सएप संदेश या एसएमएस भेजकर लोगों को गुमराह किया जाता है। ऐसे कई तरीकों से ठगी की जाती है। इसमें आपको व्हाट्सएप या एसएमएस के जरिए कोड या ओटीपी मांगकर लोगों के साथ ठगी होती है। साइबर सुरक्षा का वादा करके ठगी की जाती है, जिसमें यह मैसेज आता है कि भारत सरकार के साइबर स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत इस लिंक यानी कि साइबर स्वच्छता केंद्र gov.in के माध्यम से सुधार करें। यहां तक कि जॉब सेलेक्शन के नाम पर भी ठगी की जाती है। इन सारे मैसेजों से सतर्क रहें। शिक्षकों को मिलेगा एमएससीपी का लाभ। बिहार के प्रारंभिक स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल अब बिहार के प्रारंभिक शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को एमएससीपी यानी कि मॉडिफाइड अस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम 2010 के तहत वित्तीय लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि इस योजना के तहत प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों को भी दूसरे राज्य कर्मी और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की तरह 10, 20 और 30 वर्ष की सेवा पूरी होने पर पहला, दूसरा और तीसरा वित्तीय उन्नयन प्राप्त होगा। शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद बिहार के करीब 2,00,000 शिक्षकों को इसका लाभ होगा। आपको बताते चले कि यह एक ऐसी योजना है जिसके तहत शिक्षक की पोस्ट नहीं बढ़ती, बल्कि इसके बदले उनके वेतन में एक नियमित अंतराल के बाद बढ़ोतरी होती है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। बढ़ाई जा सकती है जजों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह मांग की है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाई जाए। दरअसल बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि शीघ्र भारतीय संविधान में संशोधन कर इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष की जाए। साथ ही हाई कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाकर 65 वर्ष की जाए। इससे पहले भी इस संबंध में साल 2002 में जजों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। इस अपील के बाद से उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाई जा सकती है।
पटना हाईकोर्ट ने सरकारी ठेकेदारों को दी बड़ी राहत। पटना हाईकोर्ट ने सरकारी ठेकेदारों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि किसी भी विभाग के समक्ष सरकारी ठेकेदारों का दावा यदि बनता है तो उस दावे या अभ्यावेदन का निपटारा उस संबंधित विभाग को 6 माह के भीतर करना होगा। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राघोजी हाउस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की याचिका पर सुनवाई किया। इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रत्युष प्रताप सिंह ने खंडपीठ को बताया कि 2017 में सोनपुर मेले में टेंट इत्यादि लगाने का कार्य राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया था, लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी याचिकाकर्ता के 21 लाख रुपए बकाए का भुगतान राज्य सरकार नहीं कर रही है। इसके लिए याचिकाकर्ता ने कई बार विभाग को अभ्यावेदन दिया, लेकिन उनके द्वारा न तो कोई जवाब दिया गया और न तो दावे के निपटारा किया गया। घूस लेते पकड़ा गया ग्रामीण आवास सहायक। बिहार में आए दिन भ्रष्ट अपराधियों के ठिकानों पर रेड डाली जाती है। अफसर अधिकारी को घूस लेते पकड़ा जाता है, फिर भी भ्रष्टाचार में कमी नहीं है। इस बीच पुलिस ने पटना के मुकामा में ग्रामीण आवास सहायक को निगरानी की टीम ने गुरुवार को 15,000 यानी बीते दिन 15,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है। मामला प्रकाश में आते ही पूरे प्रखंड एवं अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया। मुकामा के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने इस मामले में खुद को पल्ला झाड़ते हुए बताया कि वह फिलहाल छुट्टी पर हैं, उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि मुकामा प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित ग्रामीण आवास सहायक राजेश कुमार पदस्थापित हैं। काम कराने के एवज में उन्होंने एक व्यक्ति से 15,000 बतौर घूस मांगी थी। सरकारी पारा मेडिकल के विद्यार्थियों को मिलेंगे 1500 की छात्रवृत्ति। सत्ता में आते ही डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। इस दौरान रोजगार से जुड़े अपने वादे पर भी काम कर रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने मेडिकल लाइन से जुड़े छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर दी है। दरअसल राजद के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट साझा किया गया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने राज्य के सरकारी पारा मेडिकल या पारा डेंटल तथा फार्मेसी शिक्षण संस्थानों में इंटर्नशिप अनिवार्य व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर छात्र या छात्राओं को प्रतिमाह 1500 की छात्रवृत्ति या इंटर्नशिप भुगतान की स्वीकृति दी है। बीपीएससी पेपर लीक कांड के आरोपी डीएसपी को कोर्ट ने दी जमानत। बीपीएससी 67वें पेपर लीक मामले में डीएसपी रंजीत रजक को कोर्ट ने जमानत दे दी है। इसकी जानकारी आर्थिक अपराध इकाई ने दी है। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई इस जमानत से नाखुश ऊपरी अदालत की ओर रुख करेगी। मालूम हो कि इस पेपर लीक कांड में संलिप्तता पाए जाने पर बीवी स्पूप 14 के तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक रंजीत कुमार रजक को भी ईओयू ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद न्यायालय ने रंजीत रजक की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 13 अगस्त को ही जमानत पर मुक्त करने का न्यायाधीश पारित किया था। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई इस न्यायाधीश के विरुद्ध विधिवत रिविजन में जाने का निर्णय लिया है। यूक्रेन से लौटे भारतीय स्टूडेंट्स को केंद्र सरकार से बड़ा झटका। रूस द्वारा यूक्रेन में किए गए हमले के बाद फैली अशांति ने यूक्रेन में पढ़ रहे भारत के कई छात्रों को भारत की ओर रुख करने को मजबूर किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इनके अपने ही देश में शिक्षा लेने से मनाही कर दी है। दरअसल यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए केंद्र ने कहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय में मेडिकल छात्रों को नहीं रखा जा सकता है। छात्र अपने यूक्रेन के कॉलेजों के अप्रूवल लेने के बाद अन्य देशों में ट्रांसफर लेने का विकल्प चुन सकते हैं। वहीं सरकार का कहना है कि कम नीट स्कोर और सस्ती फीस की वजह से यूक्रेन मेडिकल कॉलेज को चुनने वाले यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट्स को भारतीय कॉलेजों में एडमिशन देना देश की मेडिकल शिक्षा मानक को प्रभावित करेगा। चिराग पासवान को नहीं चाहिए नीतीश कुमार का जनता राज। बिहार में लगातार आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। अपराधी सरे राह किसी को भी गोलियों से भून कर चले जा रहे हैं। बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर विपक्ष भी सरकार पर लगातार हमलावर है। इस दौरान लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश सरकार को एक बार फिर से लपेटे में लिया है। चिराग पासवान ने ट्विटर पर ट्वीट के माध्यम से लिखा कि नीतीश कुमार जी, बिहार में अराजक की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बेगूसराय में गोलीकांड, फिर पटना में अपहरण, उसके बाद अब भागलपुर में मार कर एक युवक की हत्या कर देना। नीतीश कुमार, हमें हमारा पुराना बिहार लौटा दीजिए। नहीं चाहिए ऐसा जनता राज। बिहारियों की जान से क्यों खेल रहे हैं आप। तेज प्रताप पक्षियों को आजाद करने का चला रहे अभियान। महागठबंधन सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव पक्षियों को आजाद करने का अभियान चला रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब वो पूरे राज्य में पक्षियों को आजाद करने का अभियान चलाएंगे। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि पक्षियों को कैद नहीं करें और जो लोग ऐसा करेंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। सूचना यह भी है कि इसके लिए राज्य में छापेमारी भी की जा रही है। आपको बताते चले कि गुजरात में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। 22 सितंबर
सितंबर से होने वाले इस कॉन्फ्रेंस में बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव भी हिस्सा लेने जाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। स्वतंत्रता सेनानी बलवंत सिंह का जन्म 1882 में हुआ। झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता श्यामलाल गुप्त पार्षद का जन्म 1893 में हुआ। भारतीय अभिनेत्री और गायिका एम ए से सुबह लक्ष्मी का जन्म 1916 में हुआ। भारतीय क्रिकेट अंपायर आर रामचंद्र राव का जन्म 1931 में हुआ। मच्छरों से फैलने वाली घातक बीमारी मलेरिया की खोज करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर रोनाल्ड रॉस का जन्म 1932 में हुआ। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी का जन्म 1968 में हुआ। भारतीय अभिनेता सुशील आनंद का जन्म 1977 में हुआ। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक ए बी तारापोरे का निधन 1965 में हुआ। भारतीय वायुसेना के सबसे वरिष्ठ और 5 सितारा वाले रैंक तक पहुंचने वाले एकमात्र मार्शल अर्जुन सिंह का निधन 2017 में हुआ। और आज ही के दिन ओजोन परत के संरक्षण दिवस और कार्मिक शिक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं खत्म करने के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति में 10वीं बोर्ड खत्म करने के प्रावधान को लेकर। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि यह दावा किया जा रहा है कि नई शिक्षा नीति में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं खत्म करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस पर पीआईबी ने कहा कि यह दावा फर्जी है, कृपया ऐसे भ्रामक संदेश फॉरवर्ड ना करें। टी20 सीरीज के लिए भारत पहुंचे ऑस्ट्रेलियाई टीम, इस दिन होगा पहला मुकाबला। भारत के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया की टीम अब आज से मोहाली में अपनी ट्रेनिंग शुरू करेगी। टीम इंडिया भी आज मोहाली पहुंच जाएगी और शाम को भारतीय टीम भी सीरीज के लिए प्रैक्टिस शुरू कर देगी। वहीं भारत के खिलाफ इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया टीम ने अपने विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वार्नर को आराम दिया है। टी20 वर्ल्ड कप इस बार ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है। ऐसे में वर्ल्ड कप से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह सीरीज उनकी तैयारियों को परखने का शानदार मौका रहेगा। दोनों ही टीमें एक दूसरे को शानदार प्रतिस्पर्धा देंगी। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला 20 सितंबर को खेला जाएगा। सुशील मोदी ने खान एवं भूतत्व मंत्री पर किया मानहानि का केस। बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के बाद सिर्फ पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इस बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री रामानंद यादव के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है और कोर्ट से आग्रह किया है कि मंत्री के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर उन्हें न्यायालय में उपस्थित कराकर ट्रायल प्रारंभ किया जाए और सजा दी जाए। दरअसल सुशील मोदी ने अपनी शिकायत में कहा है कि रामानंद यादव ने अपने एक बयान में कहा था कि लोधीपुर में उप मुख्यमंत्री रहते अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर क्रिश्चियन सोसाइटी की जमीन पर कोर्ट से हारने के बाद भी मॉल का निर्माण कराया। रामानंद यादव ने सब्जी विभाग की क्रिश्चियन सोसाइटी की जमीन पर भी जबरदस्ती कब्जा कर खेतान मार्केट बनाने का आरोप लगाया था। बेगूसराय शूट आउट को कास्ट एंगल देने पर सीएम नीतीश की सफाई। बेगूसराय शूट आउट में जातीय राजनीति के आरोपों पर भी सीएम नीतीश ने सफाई दी है। बेगूसराय की घटना को जातीय रंग देने पर मुख्यमंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि वहां के लोगों ने जो बताया उसी आधार पर मैंने बयान दिया था। जिनको मार दिया वह किसी जाति के थे, जो घायल हुए वह भी विभिन्न जातियों के हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग चक्कर में रहेंगे झंझट कराने का, लेकिन उनके झंझट के चक्कर में नहीं फंसना है। कुछ लोग जानबूझकर झंझट कराएंगे। मालूम कि मुख्यमंत्री ने मीडिया में एक बयान दिया था कि बेगूसराय शूट आउट मामले में मुस्लिम और अति पिछड़ा बहुल इलाकों को टारगेट किया गया है, यह साजिश के तहत किया गया था। बिहार में मिले कोविड-19 के 150 से भी कम मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 106 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 491 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो भागलपुर में 9, भोजपुर में 7, बक्सर में 1, गया में 4, जहानाबाद में 2, खगड़िया में 5, लखीसराय में 1, मुंगेर में 2, मुजफ्फरपुर में 4, नालंदा में 2, नवादा में 6, पटना में 47, पूर्णिया में 4, रोहतास में 1, सारण में 1, शेखपुरा में 2, सीतामढ़ी में 3, सुपौल और वैशाली में 2 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 106,729 सैंपल की जांच की गई है। इस दौरान 111 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रणधीर कुमार, गोरखनाथ सिंह, नू कुमार, कविता कुमारी, दीपक राय सिंह, सुनील कुमार, विनोद पंडित, रंजन पटेल, रंजीत सिंह, जगन्नाथ मत,
तो तबरेज आलम, प्रमोद पासवान और अखिलेश यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि सात निश्चय योजना 2 के तहत सोलर लाइट लग जाने से गांवों को इससे कितना लाभ होगा। अपना जवाब भी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना है। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।